डायरेक्शन जो है हमारा देख सकते हैं सब हमारा ऊपर की तरफ ऑन है, या सबको नीचे की तरफ भी हम कर देंगे तो मेरा सब बल्ब बुझा हो जाएगा। तो ये स्विच का डायरेक्शन कहता है कि सारे स्विच अप होंगे तो मेरा सभी बल्ब बूते हो जाएंगे, सारे स्विच डाउन की ओर होंगे सभी बल्ब मेरा बुझा हो जाएगा। लेकिन इस स्विच ये कनेक्शन से ये बेनिफिट है कि जब चाहेंगे तो सभी को जला भी सकते हैं और जब चाहेंगे तो सभी को बुता भी सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि एक एक करके जला सकते हैं, एक करके बुता भी सकते हैं। जैसे लाइक हमारे पास चार बल्ब का हमने कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है, वो आप देख लीजिए कि अभी हम पहला स्विच को ऊपर की तरफ किए, दूसरा बल्ब मेरा जल गया, ठीक है, फिर इस तरह का तीसरा चेंज करेंगे वो तीन नंबर का बल्ब जलेगा, फिर आगे बढ़ते जाएंगे चौथा जलते जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे चौथा जल जाएगा, और अंतिम निकल के गलियार से निकल गया बाहर मेरा बुझ गया, ठीक है, इधर से गए अंतिम निकल के उधर से निकल भी गया मेरा बल्ब बुझ गया। अब हम उधर से या इधर से कहीं किसी तरफ से ऑन करते हैं, मान लीजिए इधर से हम फिर उधर से घुस गए इधर से निकले और रॉन्ग साइड से घुस गए फिर भी देखिए मेरा यही बल्ब जलेगा, ठीक है, इधर से वापस आएंगे आएंगे उधर से वापस आना है हमको तो देखिए वो बल्ब जलना चालू हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये बल्ब जलेगा, फिर उसके बाद वो बुते फिर ये जल जाएगा ऑटोमेटिक, फिर ये बुतेगा फिर ये जल जाएगा, फिर ये बुझे हम इनकेस कोई सवाल करता है कि सर ये जलना चाहिए और ये जलना चाहिए, कोई सवाल कर सकता है तो उसका भी कनेक्शन पहला इससे ही जल रहा है ना, इसको नीचे किए हुए हैं इसको जलाने के लिए कह रहा है, इसको ऊपर करते हैं इसको भी ऊपर, इसको भी ऊपर और इसको नीचे रखें, मेरा ये दोनों जल जाएगा क्या ये जलाते जाइए आगे बढ़ते बुझते जाएगा, सिंगल वे में काम करेगा क्या? नहीं करेगा, लिखना होगा इसका क्या निकला है इसमें जिसको दूसरे वाले जलाना था तो नीचे होनी चाहिए बाकी सब ऊपर होनी चाहिए, जिसको मान लीजिए दो जलाना है उसको कर दिए हाँ, इसमें तो आपको प्रैक्टिकल देख लिए सर्किट डायग्राम कनेक्शन कैसे मूव कर रहा वो दिखाता है, ठीक है, सर्किट डायग्राम में वो मेरा दिखाता है। अभी हम नहीं बंद आपको सवाल करता है कि नहीं सर इसको जलाइए इसको बुझाइए इसको जलाइए इसको जलाइए, ये सवाल आता है सपोज डेट तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये बल्ब मेरा अंतिम के लिए है ना, अंतिम को हम जला दें, अब इसको कहा गया बताने के लिए, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में इसको ले आएंगे, ठीक है, उसके बाद इसको ले आएंगे, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको ऊपर की तरफ कर देंगे इसको नीचे कर देंगे इसको ऊपर कर देंगे इसको नीचे कर देंगे, तीन जगह से जैसे ये बताने के बोला गया था ना सवाल में, फर्स्ट वाला इधर से हाँ जल रहा है हाँ, अगर एक आदमी उधर से भी आ रहा है हाँ उसको भी फर्स्ट जलाना है हाँ तो कौन सी कंडीशन में वाला बुझाइए मतलब इसमें जैसे सामने वाले को नहीं पता है कि किधर जला है वो अपना जला के आ रहा है इधर वाला अपना भी किसी से हमको मतलब नहीं है इसमें किसी से मतलब नहीं ये तीनों स्विच ऑफ अवस्था में और ये चारों स्विच जो है इसके पास हमको अपना काम करना है अपना बल्ब को जला सकते हैं मेरे दोनों बल्ब जो है हमको इससे पूछना भी नहीं पड़ा बता भी जला सकते हाँ मतलब
बीच में कहीं दरवाजा लगा वो भी निकला तो वो भी अपना जला सकता है। मान लीजिए जला के चल के जला के चला गया, इसको मन के बताने को तो बता भी देगा, सब और इसके पास सब बता देगा। सर डायरेक्ट जैसे हम इसे जलाना चाहते हैं तो इसमें कौन सी दवाई के घर वाले क्या जाना बता सर, सेकंड वाली जलाना है सेकंड जलाना है नीचे की तरफ इसको ऊपर कर देंगे ढेर सारी तरह से जला दवा है। हाँ दो तो करना ही होगा, हमको इसको जलाना करने के लिए करना ही होगा, तीसरा जलाना है दो वाला आंसर जल रहे हैं और बात उधर का नीचे करो तो नहीं न्यूट्रल होगा उधर सेम तीसरा जलाना बंद हो गया ये वाले जलाने का ये वाला उसके बाद तीसरे का ये वाला है दूसरा जलने लगा दूसरा बताना है जलाना इसको ऊपर कर देना इसको अपना कौन सा इधर तीसरे जलाना है ठीक है इसको ऊपर रखिए चलिए हो गया समझ भी ना सबको समझ में भी आ गया करना कोई बड़ा बात थोड़ी ना चलो खोल के लगा लिए समझना जो कनेक्शन समझ लीजिएगा अपने आप गरम है बाद में भी कर सकते हैं समझ में सीरीज कनेक्शन देखने में लगा सीरीज कहाँ है जो बीच में लूट डाल दिए तो हो गया पहले लग रहा था भी लेकिन पहले लेकिन बनाते समय सबसे पहले उसको सीरीज में सब कनेक्ट कर फिर इसके बीच वाले से सही जवाब है सही जवाब का तो स्विच लगता ही नहीं ए भाई कुछ ऐसा निकला नहीं उसका डीबीसी हो जाके सर जाता है।